बड़ी खबर आज ऐवान में, अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लाएगा। सरकार के खिलाफ अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लाएगा और इसके लिए कांग्रेस ने अपने सभी अरकीन ने पार्लियामेंट को व्हीप भी जारी किया है और हिदायत भी दी है कि पूरे दिन ऐवान में मौजूद रहें, यानी ऐवान की कार्रवाई शुरू होने से लेकर खत्म होने तक। जराए के मुताबिक अपोजिशन पार्टीज के बीच मंगल को दिन भर चर्चा हुई और उसके बाद ये फैसला किया गया कि बुध को यानी आज लोअर हाउस में अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। तो आज अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी मरकजी हुकूमत के खिलाफ, आज सरकार के खिलाफ ये बड़ा फैसला लिया जाएगा। इंडिया इत्तेहाद ने बुलाई अहम मीटिंग, कांग्रेस अरकीन ने पार्लियामेंट को जारी किया व्हीप, पूरा दिन ऐवान में मौजूद रहने की हिदायत दी गई है। तो आज सरकार के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक लाई जाएगी। आज लोकसभा में ये बड़ा कारनामा होने की तैयारी में लगातार अपोजिशन। चंगेज अयूबी इस वक्त हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए। चंगेज, कांग्रेस ने अरकीन पार्लियामेंट को व्हीप जारी कर दिया, पूरे ऐवान में दिन भर रहने की हिदायत दी गई है और अदम एतमाद सरकार के खिलाफ लाने की तैयारी हो रही है, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए हैदर, फिक्र सुबह 10:30 बजे जो है कांग्रेस के सभी विपक्ष के जितने भी कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उनको व्हीप जारी करके कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि सभी सांसद जो है लोकसभा के सांसद वो लोकसभा में उपस्थित रहेंगे और 10:30 बजे उनकी एक मीटिंग होनी है, जिसको क्योंकि आज जिस तरह से विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही है, तो उसमें देखा जा रहा है कि हंगामा जिस तरह से पीएम मोदी ने बयान दिया है, पीएम मोदी के बयान के बाद जो है वो हंगामा तेज हो गया, क्योंकि पिछले 4 दिन से लगातार चाहे वो लोकसभा संसद हो या फिर राज्यसभा संसद, दोनों में ही